बहुत समय पहले की बात है, सनकादिक नाम के ऋषि हुआ करते थे। यह ऋषि चार भाई थे, सनक, सनंदन, सनातन और संत्य कुमार, और यह बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे। एक बार इन सनकादिक ऋषियों के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, तो यह उनके दर्शन करने के लिए उनके धाम बैकुंठ चले गए। परंतु इन ऋषियों को भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने बैकुंठ के अंदर जाने से रोक दिया। अपने इस अपमान से यह ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह श्राप दे दिया कि जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। ऋषियों का यह श्राप सुनकर उन द्वारपालों ने ऋषियों से बहुत क्षमा मांगी। साथ ही भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से उन द्वारपालों को क्षमा करने की विनती की। तब संकादिक ऋषियों ने यह कहा कि दिया हुआ श्राप लौटाया तो नहीं जा सकता है, इसलिए इन दोनों द्वारपालों को अपने 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद पुनः यह भगवान विष्णु के द्वारपालों के स्थानों पर वापस आ जाएंगे। परंतु साथ ही उन ऋषियों ने यह बड़ी ही कठिन शर्त भी लगा दी कि इनका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को ही अवतार लेना पड़ेगा, तभी इन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। संकादिक ऋषियों का यह श्राप ही लंकापति रावण के पूर्व जन्म की गाथा है। ऋषियों के श्राप के कारण उन दोनों द्वारपालों जय और विजय ने अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के 2 राक्षसों के रूप में जन्म लिया था। इनमें से हिरण्याक्ष नाम का राक्षस तो एक बार इस पृथ्वी को ही अपने साथ उठा के पाताल ले गया था। भगवान विष्णु ने अपने वाराह रूप में पाताल में जाकर हिरण्याक्ष के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध किया था और उस युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। इस प्रकार भगवान वाराह ने पृथ्वी को मुक्त कराकर उसे अपनी जगह पुनः स्थापित कर दिया था। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस भी बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपने भाई के वध की बात सुनी तो वो हमेशा के लिए भगवान विष्णु का विरोधी हो गया था। उसने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए बड़ा ही कठोर तप किया था और अपने तप से परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद उनसे यह वर लिया था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु मार सके। वह ना किसी अस्त्र से मारा जाए, ना किसी शस्त्र से मारा जाए, ना कोई उसे दिन में मार सके, ना ही कोई उसे रात में मार सके, ना ही उसे कोई घर के भीतर मार सके, ना ही कोई उसे घर के बाहर मार सके, ना वो जमीन पे मारा जा सके, ना ही वो आसमान में मारा जा सके। ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान पाकर हिरण्यकश्यप और भी शक्तिशाली हो गया था। इस कारण उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था और लोगों से भगवान विष्णु की पूजा बंद करवाकर अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी थी। शक्तिशाली हिरण्यकश्यप के भय से उसके राज्य के सभी लोग उसे ही भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगे थे। परंतु तभी उस हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा था। हिरण्यकश्यप से अपने पुत्र से अपना विरोध और भगवान विष्णु की भक्ति देखी नहीं जाती है। इस कारण वह अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मार देने का निश्चय कर लेता है। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वह उनके भक्त प्रहलाद को नहीं मार पाया। परंतु जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के ऊपर अपने अत्याचारों की अति कर दी, तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना नरसिंह अवतार धारण किया था, जिनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर सिंह का था। तब भगवान नरसिंह ने उस राक्षस हिरण्यकश्यप को घर की दहलीज पर, जिससे वो घर के ना अंदर हो ना बाहर हो और शाम की बेला में ना जब दिन था ना रात,
उनके बीच का समय था। भगवान नरसिंह ने उस राक्षस को अपने पैरों के ऊपर लिटा लिया। वह न जमीन पर रह सके न आसमान पर। फिर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने सिंह के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया था। यह तो थी भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय के पहले जन्म की कहानी। उसके बाद दोनों द्वारपाल त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे थे और यह दोनों राक्षस भी इतने शक्तिशाली थे कि इनके अत्याचारों से सभी लोग त्राही त्राही करने लगे थे। तब इन्हें मारने के लिए श्राप के कारण फिर भगवान विष्णु को भगवान राम के रूप में अवतार लेना पड़ा था। भगवान श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का किस प्रकार वध किया था यह कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं। जय और विजय ने अपना तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में लिया था और इन दोनों का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना श्री कृष्ण अवतार लिया था।